Hey guys, I'm Vasudev and you're watching Mix with Vasudev. So first of all, a big shout out to Karan, Memegram, The Food Addict, Neha and Naman for getting the right answer. Congratulations to all of you. So if you want to take part in my quiz, then you can add me up on Instagram. I put a question related to every video and those who give the right answer first, they get a shout out in my next video. So before starting the video, I have Mix with Vasudev's official Instagram account on which daily a video is uploaded and daily quizzes are changed. अगर आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है हर रोज तो डू फॉलो दैट अकाउंट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीप्रेसर और कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है और दोनों को कब यूज करने की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स बिगिन। तो आज जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे ये यू समबडी का कवर है बाय जॉन। तो हम जॉन की आवाज पे काम करेंगे एंड इसके जो कीज है वो सक्षम ने प्ले किया है एंड गिटार्स पे शिवम है। बहुत अमेजिंग म्यूजिशियंस है, काफी मजा आता है इन लोगों के साथ काम करने में। तो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि आज हम लोगों को मल्टीप्रेसर और कंप्रेसर का यूज समझना है, तो आई फाउंड इट एप्रोप्रिएट कि आज हम सिर्फ वोकल्स और कीज पे काम करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ कि ये रॉ कैसा साउंड कर रहा है। I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. तो मैं इस पार्ट को लूप कर देता हूं विच इज आर सो कॉल्ड कोरस यहां पे, क्योंकि यहां पे जो डायनेमिक चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा अनइवन है एंड दैट इज हाउ हमें कंप्रेसर का मल्टीप्रेसर का सबसे ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। जहां पे डायनेमिक्स आपके बहुत ज्यादा अनइवन है वहीं पे वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इन द एंड कंप्रेसर हो या मल्टीप्रेसर हो दोनों आपकी डायनेमिक रेंज को इफेक्ट करते हैं एंड इन शॉर्ट आपकी जो पीक्स है साउंड की उनको रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं वोकल्स को सोलो करता हूं और इस पे एक कंप्रेसर डालता हूं। तो एज यू कैन सी ये लॉजिक का स्टॉक कंप्रेसर है एंड हम स्टूडियो एफईटी यूज करेंगे। वील मेक श्योर ऑटो गेन जो है वो ऑफ है। तो अगर आपको इन नॉब्स के बारे में सीखना है कि ये जो नॉब है थ्रेशोल्ड रेशियो मेकअप गेन अटैक रिलीज ये क्या करती है, तो यू कैन चेक आउट माय वीडियो। मैंने कंप्रेसर पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने इंडिविजुअली इन सब नॉब्स की बात की है और बताया है कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्रेसर को अप्लाई करता हूँ इस ट्रैक पे, फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि बिफोर और आफ्टर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम सेम मल्टीप्रेसर के साथ करेंगे। तो एक बार सुनते हैं इसको। Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. राइट तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो जो लाउड पार्ट है जैसे वो वेरिएशन लेते हैं हाफवे थ्रू, तो वो जो इतना लाउड जो सुनाई दे रहा था हमें पार्ट अब वो दब चुका है एंड दैट इज व्हाट अ कंप्रेसर डज। तो इन शॉर्ट कंप्रेसर क्या करता है, जो आपकी पीक्स है या आपके लाउड पार्ट है आपके ऑडियो सिग्नल के उनको वो रिड्यूस करता है और इन शॉर्ट जो आपकी डायनेमिक रेंज है वो उसको कम कर देता है। डायनेमिक रेंज होती है जो आपका लोएस्ट ऑडियो सिग्नल है और जो हाइएस्ट पीक है उनके बीच का डिफरेंस। तो ऑब्वियस सी बात है जैसी आपकी पीक नीचे आएगी तो आपकी डायनेमिक रेंज भी कम हो जाएगी, तो कंप्रेसर वही करता है। तो एक बार कंपेयर करके देखते हैं, आई विल प्ले द वोकल ट्रैक, इसको ऑन ऑफ करूंगा, फिर देखते हैं कि कंप्रेसर की वजह से साउंड में क्या डिफरेंस आया। Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
राइट, आई एम प्रीटी श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काफी ज्यादा डेप्थ आ गई है ऑडियो में, और वो डेप्थ इसी रीजन की वजह से आई है क्योंकि वो जो क्वाइट पार्ट्स है वो ऊपर उठ चुके हैं और जो पीक्स है वो रिड्यूस हो गई। तो कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि कंप्रेसर जो है वो आपकी साउंड को थिक करता है। तो कंप्रेसर जो है वो आपकी साउंड को थिक जरूर करता है, लेकिन यहाँ पे थिक का मतलब ये है कि वो जो डायनेमिक रेंज का डिफरेंस है वो कम हो गया, दैट इज वाई हमें जो ऑडियो है वो इवनली सुनाई दे रही है और हर वर्ड की जो क्लैरिटी है वो प्रॉपरली सुनाई दे रही है, तभी ऑडियो में काफी ज्यादा डेप्थ आ गया है कंप्रेसर के डालने से। तो अब हम बात करते हैं मल्टीप्रेसर की। तो व्हाट आई विल डू इज मैं कीज पे जाऊंगा और यहाँ पे एक मल्टीप्रेसर प्लगइन डालूंगा। तो इसको समझने के लिए मैं वोकल से सोलो हटा देता हूँ और सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्रेसर क्या है। तो मल्टीप्रेसर में जैसे कि आप लोग ये रेक्टेंगल बॉक्स देख सकते हैं, इसको एक ईक्यू की तरह समझिए। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 जो रीजन है ये फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं अलग अलग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला रीजन है 20 हर्ट्ज से 160 हर्ट्ज तक, सेकेंड रीजन है 160 से 1100, थर्ड है 1100 से 7500 और फोर्थ रीजन जो है वो है 7500 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो उनके नीचे जो आप देख सकते हैं आपको फेमिलियर सेटिंग्स दिख रही होंगी, कंप्रेशन थ्रेशोल्ड, रेशियो और मेकअप गेन, अगेन अटैक, रिलीज, पीक, आरएमएस, ये सारी कंप्रेसर की एडिशनल सेटिंग्स होती है। तो इन शॉर्ट जो आपका मल्टीप्रेसर है इट स्टैंड्स फॉर मल्टीबैंड कंप्रेसर, यानी कि एक कंप्रेसर जो अलग अलग बैंड्स में डिवाइड होता है। इसका हमें एडवांटेज क्या होता है, हम हर रीजन को स्पेसिफिकली कंप्रेस कर सकते हैं। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, क्योंकि आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि मल्टीप्रेसर क्या है और कंप्रेसर से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए मल्टीप्रेसर का मोस्टली यूज होता है मास्टरिंग के वक्त, रीजन बीइंग अभी जब हमने वोकल्स पे कंप्रेसर अप्लाई किया, वोकल्स जो है वोकल्स एक स्पेसिफिक साउंड है हमारी और उनकी जो बॉडी है उनकी जो मेन फ्रीक्वेंसीज है वो एक जगह पे होंगी। बट मास्टरिंग में क्या होता है, मास्टरिंग में एक ही ट्रैक के अंदर आपके पास लोज भी होते हैं, मिड्स में भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाइज में भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो दैट इज द रीजन हमें मल्टीप्रेसर की जरूरत पड़ती है। या हम इसे बस पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पे एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स है। तो वहां पे अप्लाई करने का एडवांटेज क्या होता है कि आपके जिस इंस्ट्रूमेंट की बॉडी लोज में है आप उसको अलग से कंप्रेस कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की बॉडी हाइज में है आप उसको अलग से कंप्रेस कर पा रहे हैं अलग सेटिंग्स के साथ। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर जब भी आप मिक्स करते हैं तो आप बेस को एक अलग कंप्रेसर सेटिंग्स देते हैं और गिटार्स को अलग देते हैं। ऐसा तो नहीं होता होगा कि आप जो कंप्रेसर बेस पे डालते हैं वही आप कॉपी पेस्ट करके सारे एलिमेंट्स पे डालते हैं, बिकॉज हर एलिमेंट को अलग अमाउंट ऑफ कंप्रेशन चाहिए होता है, अलग अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड चाहिए होता है और अलग अमाउंट ऑफ रेशियो चाहिए होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके कीज पे मल्टीप्रेसर को अप्लाई करता हूँ। तो अगर आप लोगों को डिटेल्ड एप्लीकेशन सीखनी है मल्टीप्रेसर की तो इस पे भी मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। उसके अंदर मैंने एक एक करके हर पैरामीटर का मतलब समझाया है और यूज करके दिखाया है कि मल्टीप्रेसर को कैसे यूज करेंगे। सो नाउ आई विल प्ले द ट्रैक और मैं मल्टीप्रेसर अप्लाई करता हूँ कीज पे। तो मैंने मल्टीप्रेसर अप्लाई कर दिया है। वंस अगेन आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के माइंड में ही डाउट आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्रेसर क्यों अप्लाई किया है, जबकि मैंने खुद ही बोला है कि एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए उस पे मल्टीप्रेसर अप्लाई करते हैं। तो देखिए उसका सिंपल सा रीजन है, जो कीज या फिर ग्रैंड पियानो है वो हमारे ऐसे एलिमेंट्स है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ मिड्स में बॉडी नहीं होती बट इवन लोज में भी होती है और इवन ब्रिलियंस भी होती है। तो कीज जैसे जो एलिमेंट्स है आप वहां पे भी मल्टीप्रेसर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते एक बार डिफरेंस देखते हैं कि मल्टीप्रेसर से पहले कैसी थी साउंड और मल्टीप्रेसर के बाद क्या चेंज आया साउंड में। Thank you.
राइट, तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कितना सटल चेंज था, लेकिन एकदम से मल्टीप्रेसर डालने के बाद आपकी साउंड जो है वो थिक साउंड कर रही है. एंड नॉट जस्ट दैट, पहले साउंड बहुत वीक थी पियानो की, रीजन बीइंग उसको बहुत ही बेसिक एक ऑडियो इंटरफेस से रिकॉर्ड किया था, लेकिन जैसे हमने मल्टीप्रेसर डाला वो लो एंड कैसे खुल गया और वो जो ब्रिलियंस थी, वो जो हाई फ्रीक्वेंसीज थी, वो कितना ज्यादा शाइन कर रही है. और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि देखिए कंप्रेशन थ्रेशोल्ड जो है हमारा हर रीजन में ऑलमोस्ट डिफरेंट है. तो उसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि हर फ्रीक्वेंसी रेंज को अलग कंप्रेस करने की जरूरत होती है. इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो श्रिल आवाजें होती है, जो चीखने वाली आवाज होती है, या एग्जांपल अगर हम साउंड का ले तो हाई हार्ट्स की जो साउंड होती है वो बहुत श्रिल होती है, चुभने वाली होती है, और जो आपके लोज है वो बहुत ज्यादा फैलते हैं. दैट अगेन मींस कि उनपे एक लेवल ऑफ कंप्रेशन जो है वो अलग होगा जो मिड्स पे या हाईस पे होगा. दैट इज द रीजन मल्टीप्रेसर इन्वेंट हुआ है, ताकि आप एक ही साउंड में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज डिवाइड कर सको और उनको अलग से कंप्रेस कर सको. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो. अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट.